कौन हो तुम लोग? कबीर मर गया? कैसे? अरमान कैसे 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 हुआ ये सब? अरमान तुमने तुमने मारा होगा उसे, क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रहा था, तो तुम मार सकती हो, या फिर अरमान तू भी ऐसा कर सकता है सिर्फ इसकी वजह से। क्या पता तुमने किया, और शक करने की वजह ना तुझ पे बहुत है। देखो बात ऐसे है कि हम तीनों शक के घेरे में, तो बेहतर होगा कि हम साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करें। उडारिया सीरियल में आएगा बड़ा ट्विस्ट, राज्य के हाथ लगेगी लाश। वेल हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उडारिया की, जिसके आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। दरअसल आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो राज्य है वो बाहर खेल रहा होता है, और ऐसे में गाड़ी के नीचे जब बॉल चली जाती है तो वो देखता है कि डिक्की में कोई है, और वो देखता है गाड़ी के डिक्की में कोई और नहीं बल्कि एक लाश है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, चिल्लाने लगता है, पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, राज्य लाश लाश कहकर चिल्लाता है। अरमान और आसमा को भी पता लग जाता है कि कहीं राज्य ने कबीर को तो नहीं देख लिया। अब इसके बाद पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, अरमान और आसमा के होश उड़ने वाले हैं। वेल आपको बता दें कि अरमान जो है वो आसमा को देख लेता है कि वो कहीं जा रही है, और ऐसे में अरमान आसमा का पीछा करता हुआ दिखाई देता है। आसमा जो है कबीर के पास जा रही है अपने कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए कि क्यों तुमने कैनेडा में पासपोर्ट जो है उनके जब्त करे थे और क्यों तुमने ये सब किया था। यहाँ पर कबीर के पास जाती है, घर में देखती है कि आसमा की फोटो लगी है। आसमा को समझ आता है कि कबीर ही है वो जो उसे स्टॉक कर रहा है। आगे बढ़ती है कबीर की तरफ आसमा, और वो देखती है कि कबीर तो मर चुका है, किसी ने उसके पेट में चाकू मार दिया है। आसमा चाकू निकाल रही होती है, पीछे से कोई तस्वीरें खींच रहा है, एंड मौके पर अरमान भी आ जाता है और ये सब देख लेता है कि कोई तो है जो तस्वीरें खींच रहा है। अरमान को समझ आ जाता है कि कोई आसमा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब आने वाले एपिसोड में देखेंगे बड़ा ट्विस्ट। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।